मैं ये डिस्कस करती हूँ। ओके बेटा, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास जो है कॉन्टिन्यूटी का हम टॉपिक जो है टॉपिक कॉन्टिन्यूटी है बेटा। ओके मेरे पास जो है टॉपिक कॉन्टिन्यूटी का हम लोग असाइनमेंट में से वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड थर्ड पार्ट मेरे पास। ओके तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास मॉड एक्स ओवर एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर मेरे पास जो है। और मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मेरे पास, तो लिमिट मेरे पास जो है। फिर कॉन्टिन्यूटी अगर मुझे डिस्कस करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है फॉर जो है एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस जो है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये हमारे पास होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ओके तो मेरे पास जो है यहाँ पर देखिए अगर ये इसके इक्वल है मेरे पास तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये मॉड वाला क्वेश्चन आ गया। मॉड में आपको पता है लेफ्ट और राइट से फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यू नो इट ना बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड। मतलब अब मुझे ये वाली डेफिनेशन नहीं लगानी चाहिए थी, मुझे कौन सी यहाँ पर लगानी चाहिए थी लेफ्ट एंड राइट। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू हियर मेरे पास जो है मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगी कि ये मॉड एक्स एक्स हो गया अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ओके, और मॉड एक्स माइनस एक्स हो गया अगर एक्स लेस देन जीरो, और ये जीरो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो। ओके तो अब मैं यहां पर लिखूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, या दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ओके बेटा तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव मेरे पास हो गए। ओके एफ ऑफ एक्स, अब देखो जीरो नेगेटिव पे, जीरो नेगेटिव पे मेरा ये फंक्शन क्या बन गया माइनस वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पे मेरे पास ये फंक्शन क्या बन गया वन, तो मैं क्या करूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव वन और एफ ऑफ जीरो, ये जीरो का इक्वल, अब ये आ रहा है माइनस वन, ये आ रहा है वन और ये आ रहा है जीरो, क्या ये बराबर गए, नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ओके तो दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये माइनस वन वन जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्लियर बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबको क्लियर हो गया बेटा, चले ठीक है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स्थ, ठीक है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो है एट द गिवन पॉइंट, ठीक है, दैट इज वेरी इजी टू डू, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स फर्स्ट पार्ट मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू मेरे पास हो गए एक्स नॉट इक्वल टू टू, ठीक है,
और थ्री व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू एट एक्स इज इक्वल टू टू। क्लियर। अब मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है टू पे, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, मेरे पास जो है अब ये वाला फंक्शन लेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू। एफ ऑफ टू पे आंसर कितना है, थ्री। अब बेटा बताइए क्या करेंगे यहाँ पर, हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट, जल्दी बताइए, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी। हाँ जी, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट किया करो बेटा, 24 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट और उनमें से बस एक ने आंसर देना, बस तीन। आई एम नॉट हैप्पी कि मैं किसी का नेम लू और वही बच्चा। हाँ जी चलिए समृद्धि बताइए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। मैं फैक्टराइज करेंगे इक्वल टर्म को। बताइए फैक्टर्स क्या बने, जल्दी बताइए। सॉल्व कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी कीजिए। मेक द फैक्टर्स एंड ट्राई टू कैंसिल एक्स माइनस टू। जल्दी बताइए। हाँ जी जपन जोत बताइए फैक्टर्स क्या बने बेटा। मैम 2x प्लस 1 और x माइनस 2। 2x प्लस 1 एंड x माइनस 2। यस ओके, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल। अब x की जगह पे यहाँ पर क्या पुट करें, 2। जब मैंने 2 पुट किया तो 2 टू द 4 प्लस 1 यही बना मेरे पास, है ना। तो मेरे पास जो है चेक कर लीजिए बेटा सारे बच्चे कि यही बन रहा है, लेट अस चेक। यस रिद्धि, यस आंसर ही देना था बस। हां जी ओके, तो जब मैंने पुट किया इधर आया 5 इज इक्वल टू 3 व्हिच इज नॉट ट्रू, क्योंकि इधर 5 चल रहा है उधर 3 चल रहा है, तो दैट मींस फैक्टराइजेशन चेक कर लेना, मैंने नहीं चेक किया। ओके बेटा अब बेटा देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन, चले बेटा आगे। चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है 6th एंड वी विल डू द थर्ड पार्ट नाउ। ओके लेट अस सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3 जो है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 जो है मेरे पास 0 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। ओके अब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, फिर क्या करेंगे, अब मॉड आ गया ना तो चाहे सीधा ही लिख दो कि फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस हम लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास जो है इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 नेगेटिव जो अब 3 नेगेटिव में मॉड किस में चेंज हो जाएगा बेटा, 3 नेगेटिव में माइनस मॉड आ जाता है ना ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके मॉड पॉजिटिव में लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव एक्स माइनस 3 ओवर मेरे पास जो है 2 इंटू एक्स माइनस
पॉजिटिव में मॉड हट के ऐसा चीज होता है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री मेरे पास जीरो लिखा। अब इसको सॉल्व करना है, ये कैंसल ये कैंसल, यहां पर आंसर कितना आया माइनस वन बाई टू, यहां पर कितना आया वन बाई टू, और आंसर कितना दिया जीरो, विच इज नॉट ट्रू, लिखना जरूर है आपको, इट इज नॉट ट्रू, ओके। देयरफॉर द फंक्शन इज जो है नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। हमने मॉड वाले क्वेश्चन आगे नहीं किए थे, लिमिट में किए हुए थे, है ना, अब यहां पर भी हमने कर लिए, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबको बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर। अब आपकी असाइनमेंट में से फर्स्ट 10 क्वेश्चन में एनी क्वेश्चन यू वांट कि वी विल डू इट, जस्ट सी द असाइनमेंट, एनी क्वेश्चन यू वांट कि आई विल सॉल्व इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट, सेवेंथ क्वेश्चन कीजिए, एट्थ कीजिए, नाइन्थ कीजिए, टेंथ कीजिए, आई एम गिविंग यू द टाइम, सॉल्व इट, जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछिए फटाफट बेटा, सब फटाफट कीजिए। हाँ जी, ऑल ऑफ यू सी जो है, ऑल ऑफ यू सी आई हैव पिन द पिक्चर ऑफ रिद्धि, द सम इज 100% करेक्ट, यू सी इट, ऑल ऑफ यू सी बेटा, रिद्धि लास्ट में आपने गलत किया है, एफ ऑफ जीरो, देखिए बेटा एफ ऑफ जीरो जो है किसके साथ इक्वल टू है, ऊपर पुट करेंगे तो माइनस टू आना है रिद्धि, इधर बेटा लास्ट में एफ ऑफ जीरो में माइनस टू आएगा रिद्धि, करेक्ट कीजिए, ओके। मैं समृद्धि की देखती हूँ, समृद्धि शो मी, माइनस टू कहाँ है समृद्धि, वीडियो ऑन कीजिए बेटा, लेट मी शो, लाइट इतनी पड़ रही है आपकी कॉपी पे कि वो विजिबल ही नहीं है बेटा, क्लियर नहीं है, चलो मैंने मिस्टेक बता दी है, अदरवाइज बाकी रिद्धि का सम बिल्कुल करेक्ट था, लास्ट में हाँ जी बेटा। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का एट, एंड दे आस्क यू इन द क्वेश्चन नंबर एट की एफ ऑफ एक्स जो है वन माइनस एक्स पावर एन ओवर वन माइनस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू वन मेरे पास जो है, एंड इट इज गिवन हियर एन माइनस वन एक्स इक्वल टू वन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, मुझे चेक करना है, तो मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेज वन पे, जीरो पे नहीं चेक करना बेटा, वन पे चेक करना है, तो वन और मेरे पास तो है वन माइनस एक्स पावर एन ओवर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन की वैल्यू एन माइनस वन भी, ठीक है। अब इसमें मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी बेटा, अगर आपको याद हो मेरे पास तो है लिमिट एक्स अप्रोचेज ए x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a दैट इज n x की पावर n माइनस 1, ये लिमिट का फॉर्मूला होता है ना, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी विल डू यहाँ पर, तो मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगी, सिर्फ दोनों में नेगेटिव ही कॉमन है, फॉर्मूला तो तब भी लग सकता है ना, तो मेरे पास तो आएगा n x की पावर n माइनस 1 जो है मेरे पास a ए आना था, ओके एन ए ए ए इज वन, वन की पावर जितनी मर्जी हो इतना, दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये काट नहीं सकती हूं मैं, यहां ये बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मैंने एन की वैल्यू नहीं निकालनी है मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, विच इज नॉट ट्रू, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ आंसर एन आ रहा है, एक तरफ एन माइनस वन आ रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू वन. यस रिद्धि बेटा, यस रिद्धि. मैम वो जो n n माइनस वन n टू द पावर माइनस वन वाला स्टेप दोबारा समझा दो. बेटा कुछ भी नहीं, मैंने यही फॉर्मूला लगाया. देखो बस यहाँ a बाद में, यहाँ पर a पहले, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं यहाँ दोनों से नेगेटिव वन कॉमन ले लू, माइनस माइनस कॉमन ले लू, तो ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा ना. और ये किसके इक्वल होता है, एन ए की पावर एन माइनस वन, ये लिमिट का फॉर्मूला होता है. मैंने लगाया तो एन ए, ए इज वन, एन माइनस वन. अब ये वन की पावर कुछ भी हो तो वो वन ही रहना है, तो यहाँ एन बचा, एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, विच इज नॉट ट्रू. ओके जी, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बेटा? चलिए बेटा, ठीक है जी, समझ आ गई दीदी? ओके चलिए, अब हम 10 मिनट्स के बाद वी विल रीज्वाइन, जो आपका मतलब 5 मिनट्स की जो भी ब्रेक है उसमें रीज्वाइन करेंगे. ओके, और दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.